देखिए इस वक्त हम जोधपुर में मौजूद, जोधपुर लोकसभा एक बहुत बड़ी हॉट सीट कही जाती है। इस वक्त देखिए कृपा शंकर सिंह जो कि यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लाइन में खड़े हैं। कृपा शंकर सिंह चूंकि एक बड़े जो पूर्वांचल की कह सकते हैं जोधपुर की एक बड़ी सीट कही जाती है, धनंजय सिंह जिस चुनाव यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी लड़ रही थी, उसके बाद से कह सकते हैं एक हॉट सीट बन गई। क्योंकि कृपा शंकर सिंह आपको पता है मुंबई से चलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जन्मभूमि से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कृपा शंकर सिंह देखिए वह और उनके बेटे संजय, उनकी पत्नी या पूरे परिवार के साथ इस वक्त यहाँ पे वोट कर रहे हैं। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात यह भी समझनी होगी कि अब तक जो वह वोट करते थे वह मुंबई में वोट किया करते थे, लेकिन अब वह वोट उन्होंने अपने गांव में शिफ्ट करा लिया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर वोट करने के लिए अंदर पोलिंग बूथ में कृपा शंकर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ जा चुके हैं। इस वक्त उन्होंने वोट डालकर अपने परिवार के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब क्या कहेंगे मुंबई से चलकर जौनपुर, क्या कहते ना मुंबई से दोस्त मेरा जौनपुर आ गया, जौनपुर से मुंबई गया और मुंबई से यहाँ आया, वहाँ से चल करके नहीं आया, यहाँ से चल कर गया, वहाँ से हवाई मार्ग से आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि जो कि बाहर के प्रत्याशी कहते हैं कि बाहर के प्रत्याशी, लेकिन आप तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोकल वोटर बनके आप वोट कर रहे हैं यहाँ पे, उनको समझना चाहिए जो ये बात कहते हैं, उस पर कोई गंभीर विषय है ही नहीं, इसलिए इस पर क्या बात करें। लेकिन कितने साल बाद आपने यहाँ पर अपने गाँव से वोट किया, क्योंकि अब तक तो लगता है कि 1972 के बाद मतदान जो है मेरा मुंबई में हुआ, 1972 के पहले मतदान यही करता था। तो अपने गांव की मिट्टी की आज महक जाहिर सी बात है देखा के साथ लगी, वो मिट्टी ऐसी चिपकी हुई है जहां जाएंगे उसकी महक जाती नहीं है। क्या चुनाव प्रचार चूंकि आपने किया जमकर दो महीने में देखा बहुत तमाम आरोप हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन धनंजय सिंह का साथ मिलने की वजह से आपकी राह बहुत आसान दिखाई पड़ रही है भाई, चाहे धनंजय सिंह जी हों, चाहे ओम प्रकाश दुबे जी हों, चाहे महान दल के नेता केशव मौर्य जी हों और निषाद पार्टी की आदरणीय मतलब डॉक्टर संजय निषाद जी हों, इसके अपने राजभर पार्टी के सम्मानी ओम प्रकाश राजभर जी हों, अपना दल की श्रीमती अनुप्रिया पटेल आशीष पटेल जी हों, भारतीय लोकदल के सम्मानी जयंत चौधरी जी हों, मतलब सारा जो एनडीए का गठबंधन है सब साथ का उनका सपोर्ट मिला है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक जो ये था कि आपकी बार 400 पार, तो यही सब कारण है। देश के अन्य दल जो अचल विचारधाराओं से जुड़े थे उन लोग चाहिए कि अगला 2024 क्योंकि लोगों को भारत को विकसित देश देखना है, लोगों को आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, इन लोगों का जो सपोर्ट है समर्थन है बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि चूंकि मोदी साहब कई जगहों पर जाते हैं चुनाव प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन खास तौर से आपके सीट के लिए मोदी जी आए, तो कितना समर्थन और जाहिर से बात कितना काम करेगा वो आपके लिए? वो अंदर की जो खुशी है शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जौनपुर आकर के मेरे लिए जन समर्थन की बात लोगों से कहना मुझे लगता है कि हमारे लिए लोकतंत्र इसे भी बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन जौनपुर आकर के उन्होंने शुरुआत में ही आगे मतलब जो संदेश देना था दे गए, जनता से अपील किया। एक मुद्दा सिंह साहब राय दो, एक सवाल और लेता हूँ, मुद्दा रहा बड़ा कि संविधान खत्म कर देंगे, मोदी साहब आएंगे, 400 पार की बात हो रही है तमाम, क्या कहेंगे लगता है, या फिर डबल राशन देने की बात हो रही है, बीमा की 25 लाख की बात हो रही है, जो इंडिया अलायंस है वो किस तरीके से आपके तमाम प्रोग्राम पर कहें वोट बैंक पर असर डालेगा? नहीं, वो लोग भी लाभार्थी हैं, जो भी ये बात कर रहे हैं सब लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं हैं, और उनको मिला हुआ है। नल का पानी किसी एक के लिए नहीं गया गांव में, सड़क किसी एक समाज के लिए एक के लिए नहीं गया, एक बीजेपी पार्टी को नहीं गया, वो नल का पानी सिर्फ बीजेपी लोग पियेंगे, वो डॉक्टर जो मतलब वैक्सीनेशन लगा है वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं था, ये तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है मैं समझता हूँ, इसलिए बात कर रहे हैं। मुद्दा अगर होता तो आते, मतलब पार्लियामेंट में कभी कभी छोड़ चले गए, बड़ा दुर्भाग्य है, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक ऐसी जगह है। मैं बताऊं विपक्ष का उदाहरण, मुझे आज भी याद है कि आदरणीय मतलब स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी जब पाकिस्तान और ये लड़ाई में बांग्लादेश करके आई, उसमें प्रतिपक्ष नेता सम्मानी माननीय मतलब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री जैसे पार्लियामेंट खड़ी होती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब खड़ा करते हैं सल्यूट करो इस दुर्गा को, ये पक्ष विपक्ष होता है। आज तो लोग घटना को भी सबूत मांगते हैं,
बालाकोट में स्ट्राइक हुई, कहते हैं इसका सबूत क्या है, तो देश में नहीं चलेगा, लड़ाई लड़ो, बात करो, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं हमेशा यही मेरी कोशिश रही। एक बार जौनपुर को जौनपुर करने दो ना, क्यों रुकावट डालते, क्या अड़चन है आपको? इस बार कृपा सिंह से कितने ऊँट से जीतने जा रहे हैं आप? ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन जन समर्थन के आधार पर मुझे मतलब दिखाई पड़ रहा है कि जौनपुर सीट वो 400 के उस मणि में एक मणि जो है ये जौनपुर भी होगी, और जो मणि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले में जाएगी उस मणि में जौनपुर। आखिरी सवाल सर की अपील क्या करें, क्योंकि 55% वोट पड़ा था 2019 की बात करें, इस बार कितना परसेंट, क्योंकि गर्मी बहुत है, इससे से आप अपील वोट के लिए, वोटर के लिए कम से कम करें आप? नहीं, मैं वोटर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, निकले मतदान करें। सीमा पे जब लड़ाई होती है तो लोग नहीं देखते कि -12 डिग्री टेम्परेचर है कि -45 डिग्री है, ये एक एक लोकतंत्र का पर्व है, इसमें आपका योगदान नहीं होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा आप क्या चाहते हैं? इसलिए मेरे मतलब ये एक दिन की तकलीफ हो सकती है, और वो लोगों से अपील है कि वो निकले और मतदान करें। धन्यवाद भारत 24 से बात करने के, कृपा शंकर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ खास तौर से बात किया उन्होंने भारत 24 से, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट किया उन्होंने, अपनी पत्नी के साथ खास तौर से, कह रहे हैं 1972 के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने वोट किया, लेकिन वह अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है और कह रहे हैं कि जौनपुर की जनता उन्हें बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देगी और जीत भारी पैमाने पर यानी भारी मतों से उनकी जीत होगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। लेकिन असली फैसला तो 4 जून को होगा, जब मतगणना होगी तो समझ में आएगा आखिरकार जीत किसकी होने जा रही है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 जौनपुर से।